जय माता दी। मैं विनीता राणा सिद्धपीठ कालीमठ से, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं जा रही हूँ शादी में, मतलब जिठो के यहाँ, और वहाँ जिठो मतलब मेरे हस्बैंड की दीदी, और वहाँ से वहाँ जाएंगे हम कल, बट आज जा रही हूँ मैं अपनी मौसी के घर। वहाँ मेरे भाई का बेटा हुआ है तो मैं नहीं गई थी लॉकडाउन से, तो आज मेरे को मौका मिला, मैं जा रही हूँ। तो आज मैं जाऊँगी शेर से, जो फाटा से आगे पड़ता है, और कल आऊँगी मैं शादी में बड़ासू। तो आगे आप वीडियो देखते रहें। तो मैं गुप्तकाशी में वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा सामान लेना था और बहुत लेट भी हो गए थे हम लोग। तो अभी हम नारायणकोटी पहुँच गए हैं गुप्तकाशी से थोड़ा आगे, और मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रही थी। वो मेरे को देख के हंस रहे हैं, और क्योंकि मैं गाड़ी से बहुत कम जाती हूँ तो मेरे को गाड़ी में बहुत तबीयत ख़राब होती है। और अभी हम पहुँच गए हैं बगडवाल धार। यहाँ से पैदल रास्ता है कालीमठ के लिए, जो गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से लोग पैदल कालीमठ जाते हैं, और बहुत ही नज़दीक पड़ता है, गाड़ी से भी नज़दीक पड़ता है यहाँ से कालीमठ। तो ये है केदारनाथ की सड़क पे, ये गेट पड़ता है केदारनाथ वाली सड़क में। तो हम पहुँच गए हैं मैखंडा आगे, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब काम पहले लैंको वालों का बहुत ही काम चल रहा था टेंडर का, तो यहाँ पे सुरंग वगैरह बन रही थी, तो आपदा के टाइम यहाँ पे सब बर्बाद हो गया था और ये कंपनी सब ख़त्म हो गई थी। तो अभी हम पहुँच गए हैं सिरसी गांव, और सिरसी गांव आते ही मेरी तबीयत सब ठीक हो गई है, क्योंकि मेरे को यहाँ आते ही ऐसा लगता है कि मैं अपने मायके पहुँच गई हूँ, क्योंकि बचपन में मैंने सारा बचपन यहाँ गुजारा है। बचपन के जून की छुट्टियाँ पड़ती थी तो मैं पूरा महीना यहाँ पे रहती थी, और मेरे को यहाँ आके ऐसे फील होता है मायके में पहुँच गई हूँ। ये मेरा मौसी का गांव है सिरसी गांव, बहुत ही खूबसूरत जगह पे ये गांव है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी राई हो रखी है, और आजकल यहाँ पे हो रही है आलू बोने की तैयारियाँ। गोबर डाल दिया खेतों में, और कद्दू आप देख रहे होंगे कैसे पड़े हुए हैं कद्दू। तो यहाँ पे होती है बहुत मात्रा में सब्जी, और आप देख रहे होंगे ऐसे ही राई मूली कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है। तो हमारे यहाँ तो पानी डाल 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 के भी इतनी बड़ी नहीं होती है, यहाँ पे तो पानी का तो कोई नाम ही नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे गोबर और बंदरों के, तो यहाँ पे इतने ठाट पड़ रखे हैं, देखो खेत में ऐसे कद्दू बिखेर रखे हैं, देखो बंदर। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ सिरसी गांव में, जो मेरी मौसी का गांव है। अरे वो है मेरी फुल्ली, जो मेरे को घास के लिए जा रखी थी, और मैंने उसको फ़ोन किया तो वो इसी रास्ते आ रही है। तो अभी मैं अपने मौसी के घर पहुंच गई हूँ, और कल जाऊंगी मैं शादी में, तो आज इसके साथ लेते हैं मज़े यहाँ पे। ये मिल गई है मेरी बुल्ली, और ये घसेरी है। जय माता दी, नई सुबह की नई गुड मॉर्निंग के साथ, और अभी हम हो गए हैं तैयार। तो कल गाड़ी में तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। अब हम जा रहे हैं यहाँ गांव के ऊपर मंदिर, तो आपको कराएंगे मंदिर के दर्शन, और आपको बताएंगे कौन सा मंदिर है यहाँ पे। तो अभी मैं मिलाती हूँ अपनी मौसी से। यह है जोकर, अभी मुँह हाथ भी नहीं धोया। वो है दादी, वहाँ पे बैठी है, और ये नीचे मेरे जीजू अखरोट खा रहे। कौन से ना तो फूला पिछले दो अगले भी गुलाब लगी।
और यहाँ पे मौसी लोगों ने करेले के मीठे करेले जो यहाँ पे होते हैं उनको सुखा रखा है। बाद में ये सब्जी बनाएंगे इनकी जब ये मौसम ख़त्म हो जाएगा। है मेरी जेठी माँ, मतलब मेरी मम्मी की बड़ी दीदी, और अब मेरी मौसी को दिखाऊंगी मैं। और जेठी माँ जा रही हैं आज अपने घर मायके, मायके जा रही हैं। हाँ। और फिर वहाँ से जाएंगे दिल्ली। दिल्ली बेचारे अखरोट खाने में बिजी है, मन कर रहा है यहाँ से नहीं जाने का, क्या करूं मजबूरी है। पिन ले गयो, पिन ये देखो पिन मांग रही है खाना, अखरोट खाने के लिए। ये मेरी दोनों सिस्टर हैं, बेचारे गोबर डालने में बिजी है। दोनों बहनों का प्यार, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं दोनों बहनें। अब बोली दीदी तो जय 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 बोल दियो हनी, अब दीदी ख्याल बनी मेरी छोटी मौसी है। वे बोलो ना नी, वे और बीच भीतर फोन बहनों का प्यार, वी बहन प्यार कबड़ी बजी दा फूल छने पिने वे होना बड़िया हेलो हाय सिस्टर, ऊपर तो देखो मुगड़ी दिखाओ मुगड़ी, तुम तो मुख दिखा दिया उन्होंने। एक पागल ये की हाथ पड़ी ले लो, यानी वन जो मैं अकवर चोरी था कान ढूंगे से मार दिया आपने हाथ में। क्या ये जमाना, तू तो ऊनो सांस लो करियो आप में भी अमन मन गया मानती हो खाना कमा तुझको बोला उत्तराखंड में बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी
ये मेरे मम्मी देखो कितनी बड़ी दुखी है। बड़ी मौसी पहुंच गई है नीचे, और ये आ रहे हैं मौसी को भेजने के बाद। मेरे उत्तराखंड मम्मी तो अभी रो रही है हॉस्पिटल के। बादलों के उड़ने वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। दादी है मेरी मौसी की सासु दादी है माय दादू। दादू काका